चलिए सेकंड जो है मेथड नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की आपके सामने बता रहे हैं। सेकंड मेथड है ओस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। अब इस विधि में क्या होता है, फिगर आपके सामने बना हुआ है, अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, पहले इसके प्रिंसिपल को चेक करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, किसी भी मेथड को पढ़ने के लिए अगर आपको प्रिंसिपल मालूम है तो बहुत चीजें होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं प्रिंसिपल के बेस पर। ठीक है, मेथड लिखना आसान होता है यदि प्रिंसिपल आपको आता है, और प्रिंसिपल में अगर दिक्कत है तो मेथड समझने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो प्रिंसिपल देखते हैं। तो ओस्टवार्ड साहब ने अमोनिया के की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर जो है किसका निर्माण किया, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया। तो बेटा यहां देखिए प्रिंसिपल में पहले स्टेप में क्या होता है, अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं, और अभिक्रिया के दौरान बनता है NO तथा जल वाष्प, और इस दौरान जो है 21.6 किलो कैलोरी एनर्जी जो है क्या होती है, देनी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं जो NO बनता है, वो NO फटकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NO2 का निर्माण करता है। जो NO2 होगा वो जल के साथ क्रिया करेगा और ये बनाएगा नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। HNO2 को क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रस अम्ल, और जो नाइट्रस अम्ल होता है, जो नाइट्रस अम्ल होता है वो पुनः अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, जो नाइट्रस अम्ल होता है वो नाइट्रिक अम्ल NO2 तथा जल में टूट जाता है। क्लियर बेटा, बात समझ आ रही। अब क्या होता है, पूरे मेथड को यानी जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं ऑन फिगर। ठीक है, होता क्या है, ये आपके पास में फिगर है और ये प्लेटिनम की जाली, और इसका टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड आपको पढ़ा है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे कहते हैं उत्प्रेरक कक्ष, कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर में क्या होता है, यहाँ प्लेटिनम होती है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्लेटिनम को गर्म किया जाता है, अमोनिया और वायु के मिश्रण को इसमें भेजा जाता है। अमोनिया और वायु के मिश्रण को इसमें भेजेंगे तो भेजने पर क्या होता है, पहली अभिक्रिया होती है, अमोनिया वायु के साथ अभिक्रिया करता है प्लेटिनम उत्प्रेरक 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और ये बनाता है NO तथा जल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के दौरान NO मुक्त होता है, जो NO मुक्त होता है उसको भेजते अगले टावर में, और इस टावर का नाम है ऑक्सीडाइजिंग टावर। क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग टावर। ऑक्सीडाइजिंग टावर में क्या होता है, पिछली वाली कंडीशन अप्लाई इस तब भी होगी कि NO जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है NO2 बनाना है। अच्छा, दोनों मेथड में क्या कॉमन है, कॉमन एक चीज है, हमें NO निकालना है, तो NO चाहे वो आप जो है पोटेशियम नाइट्रेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा बनाएं या अमोनिया की वायु के साथ अभिक्रिया करके बनाएं, दोनों में अंतर क्या है, उसमें ज्यादा जो है पैसे ज्यादा लगेंगे बनाने के लिए, और यहाँ पर मनी वेस्ट कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की अधिक जरूरत होती है और इस मेथड में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, केवल 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की जरूरत होती है और सिंपल सा मेथड है, तो आधुनिक समय में इसी मेथड का इस्तेमाल बेटा किया जाता है। पूरी बात क्लियर आ रही है, यहां से याद तक समझ आया, फिर से समझ लीजिए, ये प्लेटिनम की जाली होती है जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अमोनिया और एयर दोनों के मिश्रण को भेजा जाता है, और उत्प्रेरक प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया वायु के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NO बनाता है, और NO जो बनता है वो यहां से होता हुआ ऑक्सीकरण कक्ष में जाता है, और ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, और NO2 को गैसीय मिश्रण को कहां भेजते हैं, अगले टावर में, इस टावर का नाम अवशोषण टावर, एब्जॉर्प्शन टावर कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं,
जल को प्रवाहित करते हैं, फव्वारे के रूप में जल गिरता है, नीचे से गैस जाती है, जो गैस होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया के दौरान नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगा और नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर नीचे इकट्ठा बॉटम में होती रहेगी और अंततः जो है इसे आउटलेट के द्वारा समय समय पर निकालते रहते हैं। तो ये सेकेंड मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन छोटे क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करें कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल से संबंधित बात करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, सद्गुण नाइट्रिक अम्ल, कौन सा बेटा सद्गुण नाइट्रिक अम्ल, इसमें क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि सद्गुण नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है ना। सद्गुण नाइट्रिक अम्ल का अर्थ होता है सा मतलब सही, धूम मतलब धुआं, मतलब ऐसा अम्ल जिससे जिसके जो है कैप को खोलने से, यानी जो पात्र का जो कंटेनर का कैप ऊपर ओपनिंग है उसको खोलेंगे तो इससे कौन सी क्या निकलता है, धुआं निकलता रहता है और यह कैसा होता है, ये पीले भूरे रंग का धुआं होता है। अगर प्योर नाइट्रिक अम्ल है तो पीले भूरे रंग का धुआं निकलता है और ये धुआं क्यों निकलता है, जिससे धुआं निकलता है उसी को कहते हैं सद्गुण नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब होता क्या है, ऐसे अम्ल में 98% नाइट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है 98% नाइट्रिक अम्ल होता है, इसके बाद जो बचा होता है उसमें जो है होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड 2% NO2 होता है, N2O3 होता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं और इन्हीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण इनसे विशेष प्रकार का पीले भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सद्गुण नाइट्रिक अम्ल। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुणों के पर चर्चा कर लेते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो समझ लीजिए नाइट्रिक अम्ल जो है जल में अत्यधिक विलेय होता है, कैसा होता है जल में अत्यधिक विलेय होता है, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हीमांक -41.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बात समझ में आ रही बेटा। फिर बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का जो कलर होता है हल्का सा पीले कलर का होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है यदि प्रकाश के संपर्क में आए तो प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे पीले रंग का कलर हो जाता है, और क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल टूट जाता है, किसमें टूटता है NO2 जल तथा ऑक्सीजन। देख लीजिए जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटता है NO2 जल तथा ऑक्सीजन में विघटित तो हो जाता है, कैसे होता है NO2 जल तथा ऑक्सीजन में विघटित तो हो जाता है, तो इसलिए इसकी पैकिंग में विशेष ध्यान रखा जाता है कि बोतल कैसी होनी चाहिए जिसमें पैकिंग की जा रही, बोतल रंगीन होनी चाहिए, रंगहीन कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो रंगहीन होगी तो सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कर लेंगे, ठीक है ना, और वो विघटित तो हो जाएगा NO2 जल और ऑक्सीजन में विघटित तो हो जाएगा, बोलो समझ में आ रही। फिर बात करते हैं ये रही भौतिक गुण, फिर बात करते हैं केमिस्ट्री के केमिकल प्रॉपर्टीज, NO3 के केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, पहला आता है ताप अपघटन, ताप अपघटन का मतलब होता है जैसे ही नाइट्रिक अम्ल को गर्म करेंगे, क्या करेंगे गर्म करेंगे, पहला क्या आइटम है ताप अपघटन, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो N2O5 तथा जल में टूट जाता है, N2O5 तथा H2O में टूट जाता है, क्या कर रहे हैं इसके साथ गर्म कर रहे हैं,
तो जब गर्म करेंगे तो बैलेंस कर लीजिए, 2HNO3 गर्म करने पर N2O5 तथा वाटर में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, दूसरे बात करें प्रकाश की एक क्रिया जो अभी आपको कुछ देर पहले कराई है कि जैसे ही नाइट्रिक अम्ल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ये क्या करता है, ये NO2 ऑक्सीजन तथा जल में टूट जाता है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद में अन्य केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं कि धातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, उपधातुओं के साथ कैसे क्रिया करेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। आपने पढ़ा हुआ है कि धातु के साथ क्रिया, कोई भी मेटल है अगर वो धातु के साथ रिएक्शन कर रही है, मेटल किससे क्रिया कर रही है, किसी भी एसिड से मेटल रिएक्शन कर रही है, तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो आपने पढ़ा है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, टेंथ क्लास में पढ़ा होगा। जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से मेटल अभिक्रिया करेंगे।